हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, पुष्कर सिंह धामी। हमने आपका ट्वीट भी देखा, आपने भी गहरा दुख हीराबा के निधन पर जाहिर किया है। हालांकि उन्होंने शतायु अपना जीवन पूरे शानदार तरीके से जिया, प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया है कि शानदार जीवन उन्होंने जिया है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है उम्र कोई भी हो, माता पिता का जाना किसी भी पुत्र या पुत्री के लिए अपूर्णीय क्षति है। ये बहुत दुखद क्षण है। देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में माँ का जाना आसमान सरीखे हाथ का चला जाना होता है, और यह क्षण केवल प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं बल्कि जिस माँ ने पूरे भारतवर्ष को एक ऐसा कर्मयोगी दिया जिसने पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया, भारत की पहचान बढ़ाने का काम किया, एक नए भारत बनाने का काम किया, और साथ ही जो माँ की जो छाप थी, माँ से जो उनको पहला संस्कार मिला था बचपन में, बालकाल में जो प्रधानमंत्री जी ने माँ को कष्टों में देखा, जिस प्रकार से उन्होंने दूसरों के घरों में काम करते हुए देखा, उससे जीवन को आगे बढ़ते हुए देखा, उसके कारण से प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए, आम जनता के लिए, सामान्य जनता के लिए, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्तियों के लिए जो योजनाएं बनाई, देश के अंदर जितनी भी योजनाएं बनी हैं उस सब गरीबों को समर्पित की, निश्चित रूप से उस माँ का बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने एक ऐसा कर्मयोगी संपूर्ण भारत को दिया। इसलिए ये क्षण केवल प्रधानमंत्री जी के लिए दुखदायी है, उनके साथ साथ संपूर्ण भारतवासियों के लिए भी बहुत बड़ा दुख का समय है। सर, बड़ी बात कह रहे हैं आप, और यही वजह है कि राजनीति से ऊपर उठकर, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो दूसरी पार्टियों के राजनेता हैं वो भी ट्वीट कर रहे हैं। अभी अशोक गहलोत ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की माताजी श्रीमती हीराबेन जी के निधन का दुखद समाचार मिला। उन्होंने आगे लिखा कि इस कठिन समय में शोकाकुल परिवारजनों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं।